वो देखें अभी वो फिर फाइट करने लग गए। वो बाहर वो देखें, वो देखें किस वक्त वो चक्कर लगा रहे हैं, वो आ गई है। आ जाओ जी बाहर आ जाओ, जाओ 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 जाओ। चली गई फौज सारी, वो मैंने रखा हुआ इनके लिए खाना। और जाओ जाओ मेरे पाँव में क्यों घूम रहे हो, जाओ उधर जाओ उधर जाओ यार, आ जाओ मैं मेन को रास्ता दिखाता हूँ। अभी वो देखे मेरी बीच बीच जा रहे हो, सारे चले गए, जाओ ना ये बच्चे मेरे पास ही घूम रहे, जाओ हाँ खाओ खाओ सब सब खाओ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पार्क बर्ड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस ये रैबिट जो है ना मैं कल ले आया था, और अभी जो है ना इसको हम बाकी रैबिट के साथ छोड़ते हैं। इसको मैंने कल जो है ना शाम को जब लाया था ना, तो मैंने इसको पिंजरे में बंद कर लिया। तो मैंने सोचा सुबह सुबह के टाइम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसको बाकी रैबिट के साथ और मिलवाएंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है और कैसी लगती है। यार है भी ब्लैक एंड वाइट कलर की है और माशाल्लाह से फुल फीमेल रैबिट है। तो जिससे मैं लाया था उसने बोला भी था कि ये जो है ना आप मेरे पास काफ़ी थोड़ा ब्रीड कर चुकी है और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड करेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज हमारी रोज़ को हमने अंडा भी दिया है। और ये देख लीजिए रैबिट यहाँ पे, इसको हम बाहर भी निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अंडा निकालेंगे बाहर। यार 4 से 5 दिन बाद इसने आज अंडा दिया है, और देखते हैं कहीं हमारी सिल्वर स्प्राइट ने भी अंडा दिया हो तो अच्छा है। नहीं यार नहीं दिया, सिल्वर स्प्राइट ने हमारी अंडा नहीं दिया आज। और बाकी ये मुर्गे देख लें, मैंने अपने फ्लेयर जो चूज़ा है ना मेरा, इसको मैंने यहाँ पर बंद कर लिया था, क्योंकि जब मैं कल रैबिट आया था ना मैंने सोचा कि रैबिट शायद इस चूज़े को मारेगी। और आपको पता होगा जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं कि मैंने जो है ना मिली फ्लेयर का चूज़ा जो है ना इस वाले के नीचे वाले बंद किया, जहाँ पे अभी हमारी रैबिट है ना वहाँ पे मैंने मिली फ्लेयर का चूज़ा बंद किया हुआ था। तो बस ठीक है जी, अभी रैबिट को बाहर निकालते हैं, अंडे को भी निकालते हैं। रैबिट हमारी बाहर आ गई है, ये देख ले दोस्तों, वो चली गई फिर अंदर भी चली गई। तो यार ये थी रैबिट, इसको अभी हम बाहर भी निकालेंगे केज के बाहर भी। और बड़ी प्यारी रैबिट यार है भी, जोरावर और भागती बहुत तेज़ है यार, आती नहीं आती इधर, तो अगर बाहर निकल के ये तो कैच के अंदर ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैंने दरवाजे को खोल दिए, अभी हम जो है ना इसको बाहर निकालेंगे। चलो भाई चलो 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 चलो, आ जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। वो देखें वो अभी भी वहीं पर खड़ी है, डक आ गई, डक इस्तकबाल के लिए आ गई है इसके। नहीं नहीं ये डर रही है अभी जो है ना, इसको शायद कोई घर पसंद नहीं आ रहा। वो देखे वो लड़ाई शुरू हो गई, वो लड़ाई वो देखे वो देखे किस वक्त वो चक्कर लगा रहे हैं, वो आ गई है। ये क्या कर रहे हैं यार, ये लड़ाई कर रहे हैं या वो तेरी है। दोस्तों बड़ी गंदी किस्म की लड़ाई कर रहे हैं इस टाइम ये, और मेल जो है ना फीमेल को मार है बहुत बुरा। यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए मेल रैबिट ने अभी इतने ज़्यादा पर निकाले हैं, सॉरी पर नहीं कह रहे हैं, बाल निकाले अपनी फीमेल रैबिट के। वो देखें वो देखो वो चक्कर है, छोड़ो यार नहीं दिखा सकता, चैनल उड़ जाएगा मेरा। पहले भी मेरी 1 लाख वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 80 मौके पर, उस पर भी मुझे स्ट्राइक भेज दिया यूट्यूब वालों ने, तो दोबारा रेस्ट नहीं ले सकते, सॉरी भाई। वो देख लें जी रैबिट अभी कहाँ पर गई हमारी, वो दोनों वो रहे वो छुपे हुए हैं। अभी चुप हो गए यार, अभी खामोशी हो गई है, मतलब अभी खेल रहे नहीं है शायद, लेकिन बड़ा डेंजर था यार, मुझे डर लगने लग गया था कि मेल रैबिट मार ही जाए फीमेल को, ऐसे भाग रहा था बेचारी फीमेल। यहाँ पे पर निकाले, ये बाल निकाले, ये बाल पड़े हुए हैं, उसके बाद अंदर भी क्या पता पड़े हों बहुत ज़्यादा जो है ना। अभी तो इसको बाकी रैबिट के साथ भी छोड़ना था, ये तो अभी एक जो ना एक रैबिट इसके पीछे इतना पड़ गया, इतना मार रहा था इसको। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, सुकून हो गया अब। आबा वैसे यार इसका इसका नाम क्या रखा जाए, मुझे कमेंट आया था कि आप अपने रैबिट का नाम जो है ना टुन टुन मासी रखो, वैसे आप क्या कहते हैं इसका नाम टुन टुन मासी रख लो, कैसा नाम है यार, बड़े मजे का नाम है टुन टुन मासी। चक्कर है वो कैसे भाग रही है ये, क्या यार बाकी रैबिट किसी पीछे नहीं जा रहे, सिर्फ मेल रैबिट इसको मार रहा था। एक काम करता हूँ मैं अभी अपने मेल रैबिट को भी बाहर छोड़ दूँ ना, उसके साथ देखते हैं क्या करते हैं। बाकी ये दोनों रैबिट तो मेरे पास आ गए हैं भाई, आ जाओ, इनको भी मैं जो है ना खुजली करता होता हूँ कभी कभी, मेरे साथ हिल गए हैं ना ये वाले दोनों। बाकी दोनों इसके जो दोनों भाई हैं ना वो वैसे के डरपोक ही हैं, मुझसे भागते हैं। आ जाओ भाई जाओ 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 अपनी फीमेल के पास जाओ, ये देखिए वो पीछे इसकी फीमेल, उसको देख के डर रही है। नहीं वो अभी कुछ नहीं कह रहा, वो स्टार्टिंग में कुछ उसके साथ मस्तियाँ कर रहा था, अभी वो देखे वो सारे जो है ना नीचे किए हुए इसते। आज पहला पहला दिन था इसका तब ये डर रही थी, वरना जब खरगोश नहीं बच्चे देने पे आती है ना सबसे अग्रेसिव हो जाती है। इस प्लाट में जो है ना सबसे, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा होगा, सबसे जो मेरे जो है ना बहादुर इस टाइम जो परिंदे या जानवर हैं ना सेटअप में खरगोश हैं,
और खरगोशों में भी सबसे ज़्यादा जो है ना, जब खरगोशी बच्चे देने पे आती है ना, फिर वो किसी को नहीं छोड़ती, ना इंसानों को ना अपने साथ वाले खरगोशों को। भाई जी राजू मुझे मिलने आया है, मेरी रेम्बो चिकन है भाई। वैसे दोस्तों आज चलते हैं अपने कबूतरों की तरफ, आपको उनके भी काफ़ी अर्से हो गए मैंने अपडेट दी थी। ये देखें, ये चलते हैं अंदर और जहाँ पे हमारे बजीज माशाल्लाह से दोस्तों, अब हमारी फीमेल जो तोती है ना, ये डोली में बैठने लग गई है। इसको मैंने कितनी बार देखे, वो देखें अभी, ओह दे उन्होंने साथ बैठ गए, वो जाएगी अभी डोली में जाएगी, छोड़ा जब जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ये देख लीजिए हमारा लकी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडी तक जो है ना मैं लकी का पैर भी लाऊंगा, सॉरी लकी का पैर कंप्लीट करूंगा, इसके लिए फीमेल लाएंगे, और शिराजी का पैर भी लाने वाले हैं हम जल्दी। और ये देख लें हमारी डव्स कबूतरों से डर के नीचे बैठी हुई हैं बेचारे मारते ना यार, इतनी प्यारी सी डव्स हैं लेकिन ये कबूतर नहीं छोड़ते, जालम कबूतर हैं भाई, तुम लोग जालम हो। ये चली गई दोस्तों डोली में चली गई, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं जब ये डोली में जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको एक बात भी बतानी थी कि हम जल्दी रेड आइज़ का पैर भी लाने वाले हैं, दो पैर लाएंगे इंशाल्लाह। कालू वो देखे टुकड़ा लेके भागे कालू यार, मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं भाई आप अपने सील मुर्गे दिखाते नहीं हो, क्योंकि भाई मुझे एक टीका पड़ चुका है तो इसलिए मैं अब दूर ही रहता हूँ असील मुर्गों से। असील चूज़ों को भी रिस्क नहीं ले सकते यार, क्या पता असील चूज़े भी वो जो है स्ट्राइक भेज दें जैसे पहले भेजी थी, तो इसलिए मैं आपको दूर दूर से ही अब दिखाऊंगा अपने जो असील मुर्गे हैं। अपना हीरा हो गया, हीरा भी अब मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, और अपना जो ये वाला है ना ये भी मैं कम ही दिखाऊंगा। माशाल्लाह यार इसका सिर्फ आप कलर देखें, जब से इसने क्रीचिंग स्टार्ट किए ना अपने सारे पार पिछले फेंके हैं, और अभी इसके नए जो पर आ रहे हैं यार, कितना खूबसूरत इसका अभी रंग आ रहा है और शाइन जो करती है, ओ जाओ भाई अभी देखें कितनी प्यारी लगती है ना बिल्कुल। इसमें एक बच्चा जो है ना बिल्कुल मम्मा पे गया है, बाकी सब जो है ना अपने अब्बू असलो मुर्गे पे गए थे। अभी ये बच्चे पता नहीं अंडर क्या करने आई हैं, शायद अंडा देने वाली हैं, इनमें से ये वाली सिर्फ ये वाली कोने वाली अंडा देती है, बाकी ये दोनों अभी जो है ना बच्ची ही हैं, शायद कोई 10-15 दिन लगाएंगे अंडे देने में। राजू हमारा अंदर ही बंद हो गए भाई, राजू एक मिनट यार, ये लो जाओ 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 जाओ, अभी ये खुद ही जाएगा बाहर। और अभी हम अपने टुनटुन मासी के पास जाते हैं यार, ये लही जी टुनटुन मासी, डरी हुई है बेचारी यार, छेनने वाली आँखें हैं इसकी, डरो नहीं यार मैं आपको कुछ नहीं कहता, ये लो लाड कर रहा हूँ मैं आपको भाई, तुम खुश रहोगी यहाँ पे, मैं आपको इतना बताऊँ, ये देखो इतना एरिया है, ये पीछे एरिया, सारी उम्र घास खाओगे ख़त्म नहीं होगा इधर से, ठीक है ना, याश मर्जी की ज़िंदगी गुजारोगी इधर आप, ठीक है ना, ये लो खुजली भी कर रहा हूँ मैं आपकी। सीधा सीधा सर क्यों फेंका हुआ है ऐसे, हो क्या हुआ भाई, इतना डरो नहीं, कुछ नहीं कहता मैं आपको, सीधी खड़ी हो, शेर की तरह चलो, शेर की तरह, मैं तो कहता हूँ शेर बन जाओ तुम, छोड़ो खरगोश की तरह ज़िंदगी गुजारना, हैं खड़ी हो ना, आ जाओ इधर आ जाओ, घूमो फिरो यार, काफ़ी ज़्यादा डर गई है शायद, इसको गंदा मारा है यार खरगोश ने, बाकी दूसरे जो बच्चे खरगोश हैं उनको भी इसके साथ छोड़ते हैं, उनका भी रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। कितना प्यारा ग्रो कर रहे हैं ना हमारा पौधा, ये वाला बिल्कुल जो है ना ये मैंने गाड़ी की इस वाली साइड पे लगाया हुआ था अपने पिजन के फ्रंट पे, तो ये देखें जी ब्यूटीफुल यार, सारे खरगोश यहाँ पे बैठे हुए हैं यार, मैं क्या करता हूँ अपनी फीमेल रैबिट को पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ यार, अपने बाकी सारे रैबिट के साथ छोड़ते हैं उसको, डरना नहीं भाई डरना नहीं, बिट्टी बिट्टी बिट्टे ये छोड़ दिया मैंने अभी रैबिट को अपने दूसरे रैबिट के साथ, वो देखें हे वो देखो डर रही है डरो नहीं, ओ ये क्या, ये बच्चा भी इसको मार रहे, ओ अंदर जाना पड़ेगा, ये क्या है यार, फिर मेरे रैबिट को सभी मार रहे हैं, ये बच्चा था उसको जो है ना फेंटी लगा रहे, अजीब मजाक बना दिया यार। वैसे यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना आज 3-4 दिन तक मैं इसको बाहर रखूंगा, फिर जो है ना मैं अपने मेल रैबिट के साथ इसको इस वाले पिंजरे में बंद करूंगा, इधर नीचे फुल इंटो वाली एक मतलब फर्श डालूंगा और प्यारा सा पिंजरा बना लूंगा, जैसे लास्ट टाइम जो है ना अपने चार बच्चे आए थे ना, ये जो अभी मार रहे थे ना अपनी फीमेल रैबिट को, ये जब छोटे थे तो इनकी मम्मा ने यहाँ पर बच्चे दिए थे, तो जो के पाल के बड़े हुए थे, तो इंशाल्लाह मैं इस बार दोबारा यही करने वाला हूँ, अपने जो है ना फीमेल रैबिट को इसी पिंजरे में बंद करूँगा साफ करके सेटिंग करके, और जब बच्चे दे देगी बड़े हो जाएंगे थोड़े बहुत फिर उनको बाहर निकालूंगा। गोल्डन सबराइट क्यों भाई शिकंजा गैंग कहाँ जा रहे हो,
वैसे ये रहा है जी हमारा हीरा, इसकी भी दर्शन कर लें आप। और अभी हमने अपनी टुन टुन मासी को छोड़ दिया है जी इस वाले रैबिट के साथ, तो वो देखें अभी वो फिर फाइट करने लग गए। वो बाहर आओ। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये खुद को मार देंगे। ये पता नहीं क्यों पारने का उसके बाद। वो देखें यार कर रहे क्या हैं ये दोनों, हेवी किस्म की फाइट चल रही है भाई। दोस्तों मुझे याद है जब हमारी पहले भी एक फीमेल रैबिट थी ना जो मर गई थी लास्ट टाइम, तो उसके भी ये ऐसे ही जो है ना बाल निकालता था, और अभी भी ये जो है ना सेम वैसे ही जो है ना काम कर रहा है। उतर देखें यार उसके तो मतलब पूरा उसे बाल निकाल देंगे यहाँ से, वो पीछे पड़े हुए हैं क्या क्या कर रहे हैं। ओए मार निकलो, छोड़ दो यार। भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं क्या करता हूँ इस फीमेल रैबिट को बंद कर दूंगा पिंजरे में, क्योंकि शाम तक ये जो है ना सारे खरगोश इसको ऐसे ही भगा भगा के मार देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बस मैं खरगोश पकड़ता हूँ, और अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने स्विमिंग पूल को जो है ना पानी से भर देता हूँ। बाकी सारे जो है ना हमारे मुर्गे जो है ना पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, कि डके भी जो कह रही हैं भाई पानी भरो हमने नहाना है। हमारा स्विमिंग पूल भर चुका है यार, ये चेक करें जी। अभी सब एक एक करके जो है ना बतखें मुर्गियाँ आएंगी यहाँ पर नहाने के लिए, और आज इनका दिन बन जाएगा। वैसे रोज़ ही पहन के आगे स्विमिंग पूल में पानी डाल दूँ, कोई नई तो बात नहीं है, पर ये खुश होते हैं यार, इनको पानी बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर जब ये नहाएं ना डेली के, साफ़ भी रहते हैं खुश भी रहते हैं यार, एक बात मैं आपको बताऊँ। और यहीं से वो पानी भी पी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। ये चक्कर है जी, किसी के धागा पर लटका हुआ है भाई, मुझे लगता है कोई पतंग आई है शायद। ओए ये तो रील वाला है, ओए इसकी तो क्या पतंग होगी आगे, ये धागा ऊपर जा रहा है, ऊपर से कोई पतंग होगी। वैसे खींच के चेक करते हैं भाई। ओए ये तो तीसरी छत पे जा रहा है धागा, चेक करें दोस्तों। ये नहीं है भाई, मुश्किल है, जाओ भाई आप ही ले लो ये धागा, मुझे नहीं चाहिए। बाकी वीडियो कैंड करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो आपने लास्ट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताया वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दो में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।